हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है राखी नेगी, मैं हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। और आज की मेरी व्लॉगिंग शुरू हो रही है रात के 8:30 बजे से। तो अभी मैं खाना बना ही रही थी, मतलब आधा मेरा खाना बन गया है, आधा बनना बाकी है। तो आज हमारे घर में आ रखे हमारे कुछ गेस्ट जो कि हमारे गांव के, तो उनके लिए मैंने बनाई है सब्जी रोटी, और खुद के लिए मैंने बनाया हुआ है भात मतलब चावल और दाल। तो क्योंकि दिन में मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा तो बहुत चावल खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने अपने चावल बनाया, उनके लिए रोटी सब्जी बनाई है। तो अभी वो लोग बैठे हुए, तो मतलब रोटी मैंने आधी बनाई तो उन्होंने बोला अभी मत बनाओ, फिर मैंने आधा आटा गून के यहाँ पर रखा हुआ है, रोटी बनाने अभी बाकी है उसमें। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती क्योंकि वो फिर बोलेंगे हमको दिखा दिया ब्लॉग में। तो अब कुछ मेहमान इसलिए नहीं आ रहे हमारे घर में ब्लॉगिंग के डर से, कहीं हम ब्लॉग में ना दिख जाए तो अभी स्वामी जी भी उधर ही बैठ रखे हैं उनके साथ, तो मैं अभी किचन में हूँ। तो अभी उनको खाना देने की तैयारी, तो क्या बोलते हैं, यहाँ देखो क्या कर रखा है मैंने, पूरा गिचड़ पिचड़ मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, कब बोलेंगे रोटी बनाओ। और मुझे तो भूख से मेरे पेट में से चूहे कूद रहे हैं, क्या बताऊँ मैं। क्योंकि मैंने क्या बोलते दिन में मैं चावल नहीं खाई, रोटी खाई, और तब मुझे भूख लग गई। तो अभी वो लोग रोड में तो ऐसे बोल रहे कि खाना ले आओ, पता नहीं कब बोलेंगे। बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं, खाना पीना भी हम लोगों ने खा लिया है, अब है सोने की तैयारी। तो सोने से पहले मैं ले जाती हूँ रियांश के लिए थोड़ा दूध बोतल में भर के। तो आज के ब्लॉग में मैं वो दिखाने वाली हूँ जो पिछले ब्लॉग का पार्ट 2 रह गया था, जिसमें मैंने कि कमेंट्स के रिप्लाई किए हुए थे, तो वीडियो मैंने परसों ही बना दी थी, आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा जो उस दिन कमेंट्स के रिप्लाई आगे आधे छूट गए थे। अभी मैं थोड़ा दूसरी जगह पर आ गई हूँ क्योंकि एक ही सामने बैठ के अच्छा नहीं लगता, बैकग्राउंड बिल्कुल बेकार लग रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट है, तो ये फ़ोन का इस बार बार बंद हो जा रहा है। तो अगला कमेंट है मोहन ने के, वो दो हंसने वाला बोल दिया था मैंने। अगला कमेंट है मोहन ने की, अच्छा ठीक है गाड़ी में अच्छे से जाना है तो मैंने बता दिया था। अगला कमेंट है ये क्या है, निर्मला जोशी ब्लॉग, व्यूज़ के लिए आप लोग क्या क्या कर लेते हैं फ़नी वीडियो। नहीं, व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि व्यूज़ के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए क्या क्योंकि मैं हमेशा वही डालती हूँ व्लॉग, पर्सनल व्लॉग में कि खा रहे जा रहे, ये खाया वो खाया, लाना पलाना, झाड़ू पोछा। तो मैंने सोचा आज कुछ ज़रा अलग हो जाए तो इसलिए किया मैंने। बाकी व्यूज़ ऐसा कुछ नहीं है, व्यूज़ तो आने थे, उसमें लोगों को लगा क्या सच में जा रही है, और लोग कैसे इंतजार कर रहे थे मेरा कि मैं कब घर छोड़ के जा रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है यूज़र XZ, बहुत सुंदर भूली, धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर से अच्छा, तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। और अगला कमेंट है क्या है ये, सुशी पुंडीर, बहुत बहुत अच्छा मैं सोच भी थी कि क्या है ये, बहुत अच्छा मैं सोच भी थी पर आप कॉमेडी कर रहे होंगे। हाँ तो मैं कॉमेडी कर रही थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है @SC Grammarball, मस्त लगा प्रैंक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को मेरा प्रैंक अच्छा लगा, वैसे मुझे भी अच्छा लगा, बहुत हंसी आ रही थी मुझे लेकिन मुझे बनाना पड़ा। तो अगला कमेंट है दीपी पता नहीं क्या है उसके बाद, मज़ा आ गया देख के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा प्रैंक देख के मज़ा आया। तो उधर से मेरी जेठानी जो मुझे चुप चुप के देख रही है वहाँ अपने छत पे बैठी हुई है और मुँह पे हाथ लगा रही है, मुझे उनके सामने बोलने में हंसी आ रही है पर क्या करूँ, बोलना तो है ही ना। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है बलवंत रमोला, लेकिन बुली कभी कभी मजाक भी सच, अरे कहाँ गया वो कमेंट, अरे मजाक भी सच में जा रही हो, नहीं अरे यार वो गैस, वो कमेंट पता नहीं कहाँ भाग गया, लेकिन कभी कभी मजाक भी सच हो जाता है ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक सच हो जाता है लेकिन वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग वैसे वीडियो बनाते होंगे। मेरे हस्बैंड क्यों बोलेंगे मुझे कि वीडियो मत बनाओ, उनको पता है कॉमेडी वीडियोस बनाती है, भले ही मेरे लिए इंस्टाग्राम पे गंदे गंदे कमेंट भी आते थे लेकिन अब नहीं आते, मतलब
एक टाइम पे मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट आते थे मेरी वीडियोस पर भी, जबकि मुझे पता है कि मेरी कॉमेडी वीडियोस होती थी, लेकिन तब भी लोग मतलब बोलने वाले बोलते, लोग पता क्या करते थे, जो मेरे फॉलोवर नहीं थे वो भी मुझे कमेंट करते, तो अब मैंने वो कमेंट ऑफ ही कर दिया, मतलब कि कोई मुझे, सिर्फ मुझे कमेंट वही लोग करेंगे जिन्होंने मुझे फॉलो किया, या फिर जो मतलब यार मुझे पता है कि जिन्होंने मुझे फॉलो किया है वो सब मतलब मेरे फेक फॉलोवर नहीं है, जिन लोगों को सच में मेरी वीडियोज अच्छी लगती है उन्हीं लोगों ने मुझे फॉलो किया है, बाकियों ने नहीं किया, और बाकियों की मुझे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि लोग गलत गलत कमेंट करते, तो मुझे वो सब पसंद नहीं है, मैं इसलिए वीडियोस नहीं बनाती कि लोग मुझे गलत गलत कमेंट करें, और मुझे इतने ऐसे फॉलोअर चाहिए भी नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट है सुमन पहाड़ी, आपको देखकर नहीं लग रहा था क्या आप प्रैंक करोगे। हाँ, तो इन्होंने भी अच्छा सही बोला है, मतलब मुझे देख के लगा भी नहीं होगा कि मैं प्रैंक करूँगी, तो मैंने कर दिया है, तो आप लोगों को मतलब आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा उस वीडियो में। तो अगला कमेंट है SR व्लॉग्स, मेरे हबीब भी सपोर्ट नहीं करते। हाँ, वो तो किस बहुत कम, मतलब मेरे तो बिल्कुल मतलब सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो ऐसे नहीं बोलते कि मत बना, वो बोलते कि बना ले पर मुझे मत दिखा मतलब। अगला कमेंट है दीपिका मेठानी, मज़ा आ गया देख के, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको मेरी वीडियोज़ देख कर अच्छा लगा। अगला कमेंट है बलवंत रमोला, लेकिन बुली कर, अरे तुम अभी तो मैंने उनका किया था, आपको देख कर नहीं आओ है हे राम, खाली मैं टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, तो क्यों क्या फिर टाइम वेस्ट, मतलब आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब घर छोड़ के जा रही थी, है ना। अगला कमेंट है पहले तो मैंने मजाक सोचा, फिर मैंने सच समझा, तो मैं क्या बोलती हूँ, क्या बोला मैं, तो वही था, एक बार फिर देख लेना जिनको समझ में नहीं आया। अगला कमेंट है बाबुल यूके, पति छोड़ दे पर इंस्टा और यूट्यूब मत छोड़ना, क्योंकि उससे ही तुम लड़कियों की ज़रूरत पूरी होती है। तो पहले वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए था आपको, फिर ये कमेंट करना था, ऐसा नहीं है। तो अगला कमेंट है रीना गुसाई, समझ गई थी हम। तो चलिए करते हैं अगला कमेंट। तो अगला कमेंट है बबलू कुमार, पति छोड़ दे पर इंस्टा और यूट्यूब मत छोड़ना, क्योंकि उससे ही तुम लड़कियों की ज़रूरत पूरी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी सोच बिल्कुल गलत है, मेरे लिए मतलब, हाँ और के लिए मैं नहीं बोल सकती। अगला कमेंट है रीना गुसाई, समझ गए थे हम। तो आप बहुत समझदार लग रहे हो मुझे, आप समझ गए थे, आपने ब्लॉग तो पूरा देखा ना, नहीं देखा तो फिर से देख लेना एक बार। अगला कमेंट है सिंह विक्रम उनियाल जी का, रेखा बहुत मजाकिया हो। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बहुत मजाकिया हूँ और मैं हुई ऐसी। तो ये फ़ोन फिर से है। अगला कमेंट है रश्मि रावत, ऐसा मत कर बहन, जवाई जी को समझा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने भी ब्लॉग शायद पूरा नहीं देखा। तो अगला कमेंट है यहाँ बहुत गलत बात है, क्या ये संगीता जी का, तो कोई बात नहीं। अगला कमेंट है पुष्पा जोशी, ओके टाटा बाय बाय, हम भी वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, मत देखो देख लो यार, प्लीज़ ऐसा मत करो, सॉरी। अगला कमेंट है पूनम जी का, कैसे कर सकते हो एक व्यू के लिए, हमें तो डरा ही दिया। तो ऐसा नहीं है, व्यूज़ के लिए नहीं यार, मैं बता के थक चुकी हूँ, मैंने ये व्यूज़ के लिए नहीं किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मतलब कुछ अलग करना था मुझे बस, तो मुझे यही समझ में आया तो मैंने यही ब्लॉग बना दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो और वैसे भी और लोगों के ब्लॉग तो आप लोगों ने देखे होंगे, जो बोले बड़े बड़े ब्लॉगर होते हैं तो वो कैसे कैसे वीडियोज़ बनाते हैं, तो उनको तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। अगला कमेंट है शांति रावत, पागल एक बार तो मुझे लगा कि मजाक कर रही हो, पर फिर बाद में मुझे लगा कि सच में जा रही हो। तो जब तक आपने देखा होगा, मतलब पहले आपने देखा नहीं होगा तो आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा मजाक करी, फिर आपने जब व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने एक्टिंग ऐसी की हुई थी, मतलब सच लग रहा था वो, है ना। तो अगला कमेंट है रश्मि मनोज रावत, उन्होंने बड़ा गुस्सा वाला स्टिकर भेजा है भाई, मुझे उनका मुँह पूरा लाल हो गया है गुस्से से। अगला कमेंट है यूज़र पागल, उन्होंने मुझे पागल बोला है, तो कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका, मैं पागल ही हूँ। अगला कमेंट है इंचवर, दोनों मत छोड़ बहन, फाइटर बनो बहन, लाइफ है ये, समझा उनको। तो
तो ऐसा कुछ नहीं, मैं फाइटर हूँ और मैं लड़ ही रही हूँ वैसे भी। अगला कमेंट है शिल्पी मोटिवा, लोग बोलते ही रहते, तो ऐसा कुछ नहीं यार, मुझे तो मतलब ऐसे लोग मेरे लाइफ में बहुत कम है। अगला कमेंट है यूज़र IR7Z कैफन, ये प्रैंक वीडियो नहीं, ये सब्सक्राइब की बीग मांगने के लिए वीडियो बनाई आपने, तो आप जो भी समझो, आपके लिए तो आपने जो समझा वही ठीक है, तो चलो वही ठीक वही समझ लो आप। अगला कमेंट है कुसुम कंडारी का, हे भगवान क्या हुआ। अगला कमेंट है दीपा रावत, कोई बात नहीं लेकिन ये मजाक में भी तो अच्छा नहीं लगता ऐसा करना, सब्सक्राइब लाइव कर देना। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, बस मुझे तो मतलब ज़्यादा वो नहीं लग रहा है कि ज़्यादा गलत रहा है वीडियो, ठीक था, नॉर्मल था, मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल है। अगला कमेंट है यूज़र MU3, यूट्यूब की वजह से अपने घर क्यों छोड़नी है बहन, तो यूट्यूब की वजह से मैं अपना घर नहीं छोड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी शायद वीडियो पूरी नहीं देखी। इधर मेरा रियांश आ गया है सो के, उठ के क्या कर रहा है रियांश, खंडा। अगला कमेंट है पहाड़ा निशु ब्लॉग का, तो ये मेरी जेठानी जी है, इनका भी यूट्यूब पर चैनल है, तो आप लोग इनको भी सपोर्ट कर सकते हो, डरा दिया पागल। तो जेठानी जी धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए, तो आप डर गई थी। अगला कमेंट है आरुष, वीडियो के चक्कर में पागल हो गए तुम, हाँ मैं हो गई हूँ पागल। अगला कमेंट है राखी, ये तो मेरे नाम के राखी आकाश कैबिन, मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो तो पहले वीडियो तो पूरा देख लो यार। अगला कमेंट है उत्तम सिंह, पागल जमाना ही खराब है, हाँ शायद। अगला कमेंट है नेगी विकी, पागल गाली खानी थी आपने मेरी, क्यों। अगला कमेंट है गीता, क्या है ये गीता खरकवाल, घर बार संभालो बहन, जब पति देव मान जाएंगे तब दोनों वीडियो बनाना, कहीं अचानक यूट्यूब भी बंद हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, अपनी ज़िंदगी को मजाक मत बनाओ, रोने से कुछ नहीं होगा थोड़ा। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, आपने भी वीडियो पूरी नहीं देखी क्या। अगला कमेंट है उत्तम सिंह, जो अभी शायद उन्होंने पहले भी कमेंट किया था, कैसी पत्नी है ये, यूट्यूब के चक्कर में अपने पति को छोड़ रही है, सही तो कहा आपके पति ने, उसने क्या गलत क्या है, आप कुछ पैसे के चक्कर में अपने पति से, ऐसा कुछ नहीं है, पैसों के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है भैया, मुझे तो आप पागल जैसे लग रही हो, मुझे तो आप पागल जैसे लग रही हो, कौन ब्लॉगर करता है, तो बहुत ब्लॉगर करते हैं यार, मैं तो कुछ भी नहीं क्या, इससे भी ज़्यादा करते हैं। अगला कमेंट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एकदम बकवास, तो धन्यवाद आपका। अगला कमेंट है यूज़र कैफिन GS4, झूठी कहीं की झूठ बोलकर वीडियो बना रही है, कहीं की झूठी में। अगला कमेंट है कला रावत बिस्ट, तुम लोग वीडियो के कुछ भी करने को भी पता नहीं क्या बोल रहे, तो इतने ही कमेंट है। तो आई होप आप जिन्होंने भी मुझे कमेंट किए होंगे उन सब के रिप्लाई आप लोगों को मिल गए होंगे, तो कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चलो सभी के लिए धन्यवाद जिन्होंने अच्छे कमेंट भी किए और जिन्होंने बुरे भी किए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं राखी ने की लेती हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर।